आपदा प्रबंधन का तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। पहला ऑब्जेक्टिव है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, कोई नहीं। सुनामी। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, जोन एक, जोन तीन, जोन चार, जोन पांच। जोन पांच। ऑप्शन डी। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, 48 में, 67 में, 90 में। 1934 में। ऑप्शन ए। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। एल तरंग। तो चार का से ऑप्शन आपको हो गया सी, एल तरंग। भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है, केंद्र में, अधिकेंद्र में, ठोस आंतरिक कोण में, इनमें से कोई नहीं। केंद्र में। ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन डी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में। सागर तट से दूर। ऑप्शन बी। सागर तट से क्या होना चाहिए, दूर, नहीं तो भवन क्या होगा, सुनामी के कारण, पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। आयताकार। ऑप्शन डी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। अधिकेंद्र। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है, स्थल पर, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। समुद्र में। ऑप्शन बी। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। देहरादून। ऑप्शन ए। फिर है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। पी तरंग। पी तरंग। और इसका जो वेग होता है कितना होता है, 7.8 मीटर प्रति सेकंड। अगला ऑब्जेक्टिव, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। भूकंप केंद्र। ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है, समुद्री भूकंप, ज्वार भाटा, समुद्री जल का बढ़ना, जहाजों का आवागमन। समुद्री भूकंप। ऑप्शन ए। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, 4, 3, 5, 7। पांच। पांच जोन में बांटा गया है।
तो पांचवा जोन जो है क्या है, सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम का देखो दार्जिलिंग हो गया, पहाड़ी क्षेत्र सब आता है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, भूकंप तथा सुनामी से बचाव, इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना कौन सा तरीका सही नहीं है, बोलो ये क्वेश्चन है। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ऑप्शन बी। ये सरासर गलत है, देखो इस ऑब्जेक्टिव के आंसर का सुधार करो, भगवान के भरोसे बैठे रहना ये तरीका सही नहीं है। भगवान के भरोसे बैठे रहने से क्या भूकंप से हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। ऑप्शन क्या होगा, डी। तो यही एक दो गलती होता है गैस पेपर में।